मौसम बदलने के साथ बहुत सी संक्रमण जन्य बीमारियों के बढ़ने का भी खतरा बढ़ने लगता है। अभी बारिश का मौसम चल रहा है और कुछ ही दिनों के बाद जो है हम देखेंगे कि हमारे समाज में बहुत ज़्यादा डेंगू का, चिकनगुनिया जैसे रोगों का प्रकोप फैलने लगता है। बारिश के बाद फैलने का कारण यही है कि जितने भी तालाबों में या सड़कों पर या गड्ढों में पानी इकट्ठा होता है उस पर मच्छर पनपते हैं, और ऐसे में इस समय कुछ समय के बाद जो है मच्छरों की संख्या में बहुत तेज़ी से वृद्धि होती है, और यही मच्छर जो है बरसात के मौसम में या बरसात के बाद वाले मौसम में बहुत तेज़ी से डेंगू और चिकनगुनिया जैसे रोगों के बढ़ने का कारण बनते हैं। और किसी व्यक्ति को अगर पता चलता है कि उसको डेंगू या चिकनगुनिया है तो बहुत ही जल्दी घबराने लगता है। इसका कारण यह है कि पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि डेंगू से होने वाली मौतों में काफ़ी तेज़ी से वृद्धि देखी गई है, और डेंगू में जो मौत होती है उसका एक प्रमुख कारण होता है प्लेटलेट का तेज़ी से कम होना। लेकिन क्या आपको पता है कि प्लेटलेट की जो एक कट ऑफ वैल्यू क्या होती है, कितना होना चाहिए और कितना प्लेटलेट कम होने के बाद आपको पैनिक होना चाहिए? अगर आप जान पाएंगे इसको तो निश्चित रूप से आपकी काफ़ी समस्याओं का समाधान ऐसे ही हो जाएगा। तो प्लेटलेट की सामान्य मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो विभिन्न पुस्तकों का अवलोकन अगर आप करेंगे तो एक सामान्य जो मात्रा लिखी गई है विभिन्न चिकित्सा ग्रंथों में वो होती है 1.5 लाख से 4.5 लाख होनी चाहिए। तो लेकिन औसतन अगर देखा जाए तो किसी भी व्यक्ति में 4.5 लाख प्लेटलेट नहीं होते, 1.5 लाख से 2.5 लाख के आसपास ही प्लेटलेट सामान्य रूप से सब में पाया जाता है। तो ये जो 1.5 लाख से 4.5 लाख की जो रेंज है प्लेटलेट की, ये बहुत ज़्यादा अलग अलग लोगों में वैरी करती है, यानी कि अलग अलग लोगों में अलग अलग होती है। औसतन जो है 1.5 लाख से 2.5 लाख के बीच ही प्लेटलेट पाया जाता है। 1.5 लाख से नीचे अगर प्लेटलेट होता है तो इसको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहा जाता है, और इसके भी अलग अलग स्टेजेस दिए गए हैं, यानी कि अगर आपका प्लेटलेट काउंट 1 लाख से 1.5 लाख के बीच है तो इसको माइल्ड बोला जाता है, 50,000 से 1 लाख के बीच है तो इसको मॉडरेट थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहा जाता है, और अगर 50,000 से कम इसका प्लेटलेट है तो उसको सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहा जाता है। तो इसमें हम देखेंगे कि बहुत से रिसर्च हुए हैं, बहुत से शोध पब्लिश हो चुके हैं, अगर आपका प्लेटलेट काउंट 50,000 से नीचे है तब आपको इससे चिंता करने की आवश्यकता है, अगर 50,000 से ऊपर है तो आप बहुत ही सेफ जोन में हैं, इसमें आपको बहुत ज़्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। आप जानते हैं कि प्लेटलेट जरूरी क्यों होता है, और डेंगू में प्लेटलेट कम होता है तो ब्लीडिंग क्यों होता है? जो प्लेटलेट होता है वो खून का थक्का जमने में मदद करता है। मान लीजिए कि कहीं भी आपको कट लगा, कट लगने के बाद वहाँ से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, तो प्लेटलेट का काम ये है कि प्लेटलेट जो होता है आपस में चिपकने लगते हैं, और चिपकने के बाद जैसे कि हम फेविकोल डाल के किसी छेद को बंद कर देते हैं, ठीक वैसे ही प्लेटलेट जो आपका कट लगा हुआ है वहाँ पे इकट्ठे होते हैं और उसको फेविकोल की तरह या गोंद की तरह उसको बंद कर देते हैं, यानी कि उसको प्लग बना के, प्लग फॉर्मेशन करके उसको बंद कर देते हैं। डेंगू के केस में जब प्लेटलेट काउंट जो है हमारा लो होने लगता है तो उसकी वजह से जो अगर कहीं भी कट लगता है, चाहे एक्सटर्नल ब्लीडिंग की बात करें या इंटरनल ब्लीडिंग की बात करें, तो प्लेटलेट कम होने की वजह से वहाँ का जो प्लग फॉर्मेशन है यानी कि जो क्लॉट रोकने की ब्लड रोकने की प्रक्रिया है वो बंद हो जाती है, यानी कि ठीक से नहीं हो पाती है, तो थोड़ा सा भी कट लगने के केस में जो है ब्लड लगातार बहता रहता है। लेकिन मैंने जैसा कहा कि ये तभी हो पाता है जब आपका प्लेटलेट काफ़ी कम हो, यानी कि 50,000 से कम हो तो ये समस्या आती है, अगर 50,000 से 1 लाख हो तो भी बहुत ज़्यादा समस्या आपको नहीं आती है। तो इसलिए अगर आपका प्लेटलेट काउंट अब 50,000 से ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, आपको बस अपना बचाव रखना है कि आपको कहीं से चोट न लगे, कहीं कटे नहीं। तो प्लेटलेट बढ़ाने के उपाय क्या क्या हैं आयुर्वेद में, तो यहाँ पे कुछ हम आपको ऐसे प्लेटलेट बढ़ाने के उपाय बताएंगे, आप इसको ध्यान से देखिए, जो लास्ट वाला है वो सबसे बेहतर है, उससे सबसे तेज़ी से आपका प्लेटलेट काउंट बढ़ने लगता है। तो जो सबसे पहला है, हम लोगों ने देखा होगा कि इसमें बहुत सारे शोध भी हुए हैं कि जो पपीते के पत्तों का रस है वो बहुत तेज़ी से आपका प्लेटलेट काउंट को बढ़ाता है। तो अगर आपको भी लगता है कि आप में डेंगू के लक्षण हैं और आपका प्लेटलेट कम हो रहा है तो आप पपीते के पत्तों का रस का सेवन जरूर करिए। लेकिन कितनी मात्रा का सेवन करना है इसके लिए आपको किसी चिकित्सक की परामर्श जरूर लेनी होगी, बगैर चिकित्सकीय परामर्श के आप कोई भी दवा का प्रयोग नहीं कीजिए। जो दूसरा है वो है गुड़ूची। गुड़ूची सब लोग जानते हैं, गुड़ूच सामान्य भाषा में इसे कहा जाता है, अमृता नाम से भी जाना जाता है, और इसका जो है आपको पौधे अक्सर मिल जाएंगे, तो उसमें उसकी जो स्टेम है यानी उसका थोड़ा सा तना लगभग इतना बड़ा, उसको काटिए, उसका उबाल के उसको काढ़ा बनाकर आप पीजिए, उससे भी बहुत तेज़ी से बढ़ता है।
इसकी जो है मार्केट में रेडीमेड दवाइयाँ भी आती हैं, आपका इसका एक्सट्रैक्ट गुडुची सत्व के नाम से भी आता है, इसके टेबलेट्स गुडुची घनवट्टी के नाम से भी आती है, उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। जो व्हीट ग्रास है उसका भी प्रयोग जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है और यह भी बहुत तेज़ी से प्लेटलेट को बढ़ाता है। बकरी के दूध पे बहुत सारे रिसर्च हुए हैं, बकरी का दूध जो है प्लेटलेट को बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है, तो उसका भी प्रयोग आप लोग नियमित रूप से कर सकते हैं। और जो सबसे आखिरी है उसमें कि कीवी, चुकंदर और अनार, इन तीनों का जूस जो है मिलाकर पीने से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। इन तीनों में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स काफ़ी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जो कि इससे आपको आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है और ये डेंगू से बचाने में आपकी काफ़ी हद तक मदद भी करते हैं और साथ में प्लेटलेट काउंट को भी बढ़ाते हैं।